हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि 30 वैकेंसीज निकली हैं एट अ सीआरसी एग्जीक्यूटिव मानेसर में। तो क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसकी एज की रिक्वायरमेंट है, क्या आपका सैलरी का रिक्वायरमेंट है, वो हम आगे देख के चलेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरीके की अपडेट्स आपको आगे मिलते रहेंगे। आई मायसेल्फ सीएस उत्कर्ष गर्ग आपके लिए अपडेट्स लेकर आ रहा हूँ मैं। चलिए एक बार हम उसके जो वैकेंसीज का अपडेट निकला है उसकी तरफ हम देख लेते हैं। तो जो वैकेंसी है वो आपकी एट सीआरसी मानेसर में है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग कंपनी सेक्रेटरीज, जो एक एडवर्टीजमेंट पहले भी निकला था कि जो भी नेम की अवेलेबिलिटी, रन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो ये जो नेम अवेलेबिलिटी है उसके लिए निकली है ये वैकेंसीज, की जो फॉर्म्स को अप्रूव करते हैं इनकॉर्पोरेशन वाइज के। कितनी वैकेंसीज निकली हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 30 वैकेंसीज निकली हुई हैं। कब तक के लिए अप्लाई करना है मैं इसको डिटेल आपको बता देता हूं आगे। लोकेशन आपने मेंशन कर ली है, सीआरसी कॉर्पोरेट भवन IICA मानेसर नियर गुड़गांव, ठीक है। जो आपका कंसोलिडेटेड पे होगा वो आपके एक्सपीरियंस पे वेरी करेगा, 33,000 से लेकर 40,000 रुपीज तक आपको पे मिलेगा। जो मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है, अगर आपकी 1 अगस्त 2022 तक, मतलब आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर आज तक आपकी एज 31 साल या उससे कम है तो आप इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है, एटलीस्ट आपको 1 साल का अनुभव होना चाहिए, इन्होंने यहां पर ये बोला हुआ है। कौन क्वालिफिकेशन कर सकता है, जो भी अगर आप मेंबर हैं ICSI के तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। मतलब अगर आपके पास 2 साल का भी अनुभव है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, ये एक्सपीरियंस में इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो अगर आपने, अच्छा अब ये जो लिंक है वो कब तक ऑपरेट रहेगा, ये आपका 8 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक के लिए ये लिंक ऑपरेट रहेगा। तो आप इसको अपने नोट में रख लीजिए कि जब भी ये लिंक एक्टिव होगा आप इसमें जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम अगर आगे बात करें तो, अच्छा अगर किसी ने भी IEPF वगैरह में वहां पर आपने काम कर रखा है तो आप इस जॉब के लिए डिस्क्वालीफाई हैं, बट बाकी जो भी चीजें हैं आप इसमें पढ़ सकते हैं अगर आप कहेंगे तो। मैं इसको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपका इसका लिंक शेयर कर दूंगा और कट ऑफ डेट वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ भी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आप देख सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मिस्टर गौरव मेहता हैं जो सीआरसी कमेटी के एसोसिएट हैं, उनको आप मेल कर भी पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से अपडेट्स के लिए आप मिलते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।